स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज का वीडियो हम शाम को स्टार्ट करने वाले हैं, जस्ट फॉर अ चेंज। आई एम हियर विद आर्यन एंड ईशान और हम आई थिंक 7 या 8 सालों के बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। इट्स फुल ऑन लाइक गली क्रिकेट। यहाँ पर डस्टबिन है जिसके ऊपर मैं ट्राईपॉड रख के मेरे सारे वीडियोज फिल्म करता हूँ और बेसिक रूल्स है। सो वहां से बोलिंग ओवर आर्म नहीं, वन टिप वन हैंड इज आउट एंड बेसिकली कोई स्कोर कार्ड या कुछ नहीं है। द ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू नॉट गेट आउट। ऑलराइट, फर्स्ट बॉल और वो जो बॉटल है उसके ऊपर डायरेक्टली मारा, देन इट्स आउट। लाइक फुल ऑन स्ट्रीट क्रिकेट रूल है ना। ब्रो लेट्स की अगर दो बॉल्स मिस किए बैक टू बैक देन यू आर आउट। ओके, कुछ होता था ना वैसे इफ यू मिस 2 बॉल्स और 3 बॉल्स। बचपन में आई यूज टू बी लाइक अ बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन, और आर्यन एक फास्ट बॉलर हुआ करता था। सो दिस इज गोना बी प्रिटी इंटरेस्टिंग। और इसको ओवर आर्म बॉलिंग करनी है। अभी गांड फट रही है। गुड बॉल, गुड बॉल। क्या हुआ, शोल्डर? गुड बॉल। जस्ट गॉट आउट आफ्टर लाइक 10 मिनट्स। अभी हम बॉलिंग करेंगे। ईशान पहली बार क्रिकेट खेल रहा है, सो लाइक थोड़ा धीरे डालना पड़ेगा। ओ 1 2 आउट। या इट्स ओके, खेल। यू नेवर प्लेड क्रिकेट इन योर लाइफ? सर नेवर गिव मी अ चांस ओनली ब्रो। सर हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर थे और वो बहुत ऐसे पार्शियल थे, तो ईशान बचपन से बहुत बुरा खेलता था, इसीलिए इसको कभी चांस ही नहीं मिलता था। सो आई जस्ट केम बैक इन माई रूम। हमारा जो टेनिस बॉल था वो घूम गया और सनसेट हो गया, इसीलिए बाहर अंधेरा था, विच इज वाई वी हैड टू कम बैक अप। वो सब छोड़ो, मैं आप लोगों को इस बैट के बारे में बताना भूल गया। ये बैट 10 या 12 साल पुरानी है। जब मैं आई थिंक फर्स्ट ग्रेड में था तब मैं मेरी फैमिली के साथ कश्मीर गया था और ये उन्होंने फैक्ट्री में मेरे सामने बनाई थी। एंड इट्स फनी बिकॉज मेरे पूरे बचपन में मैंने 3 या 4 बैट्स खरीदी है बट इन दी एंड वो टूट जाती है। ये कितनी पतली बैट है, इट्स स्टिल नॉट ब्रोकन, बट खेलते वक्त लगता है कि टूटने वाली है क्योंकि इससे बहुत कुई 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 आवाज आता है। एंड इन अ वे ये जो बैट है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज ये मेरी बचपन की क्रिकेट की लास्ट मेमोरी है। मेरे पास 2-3 और बैट्स थे बट मैंने वो अपने नेबर को और मेरे सोसाइटी में थोड़े से बच्चे हैं उनको दी, क्योंकि आफ्टर अ वाइल आई ग्रू अप और मैंने क्रिकेट खेलना बंद कर दिया। सो मैंने उनको दे दी, उनको बहुत खुशी हुई थी, बट ये मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगा। सो या अभी हम जा रहे हैं आर्यन के घर पे टू स्पेंड द नाइट ओवर देयर। लेट्स गो। सो कल आर्यन स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू प्ले 100 वर्ड्स बाय प्रतीक वार्ड और वो हमें उसका अभी तक का प्रोग्रेस दिखाने वाला है। राइट नाउ आई एम ऑन द 10th वर्ड। 10th वर्ड या वाओ, सो गुड। एंड इट रिपीट्स ब्रो फॉर द सॉन्ग। रियली? याद है ईशान ने मेरा टूथब्रश फेंक दिया था, अब मुझे ट्रेडिशनल वे में उंगली के साथ ब्रश करना पड़ेगा। Day 1 of the mini cut.
बेस्ट पार्ट अबाउट द मॉर्निंग। तो टुडे इज द 5th of October और अक्टूबर महीने के नए गाइडलाइंस आया है गवर्नमेंट से, और एक और बार द गाइडलाइंस डोंट मेक एनी सेंस। सो रेस्टोरेंट्स उन्होंने अप टू 50% कैपेसिटी खोलने की इजाज़त दिया है, और उन्होंने महाराष्ट्र के सारे ट्रेन्स को रन करने की इजाज़त दिया है। एंड एक और बार जिम्स के लिए कुछ कहा नहीं है, डूज सेक्शन में भी नहीं है, डोंट सेक्शन में भी नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट जब ये डिसीजन बनाती है तो क्या लॉजिक के साथ डिसीजन बनाती है। बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट इट, जिम्स में सारे जो मेंबर्स होते हैं और सारी चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल्ड फैशन में हो सकती है, इक्विपमेंट को टच करने के बाद वो सैनिटाइज कर सकते हैं। बट आपको पता है कि इंडिया में ट्रेन्स कैसे होते हैं, ट्रेन स्टेशन आर वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस, और रेस्टोरेंट्स भी, लाइक क्या करें। सम प्री वर्कआउट वर्क एज ऑलवेज, आर्यन कुछ अलग ट्रेन कर रहा है, मैं कुछ अलग ट्रेन कर रहा हूँ। So we just finished the workout. Unfortunately, हमें वर्कआउट आधा छोड़ना पड़ा because of this. तो मैं बेंच कर रहा था, इंक्लाइन बेंच, एंड नीचे ऑलरेडी एक डम्बल पड़ा हुआ था, बट वेन आई केप द डम्बल डाउन, मेरा उंगली दोनों डम्बल्स के बीच में आ गया, और आई डोंट नो एग्जैक्टली कैसे, बट पूरा स्किन छिल गया। सो अभी हम बैठ के ये पियेंगे और आई प्रोबेबली गो होम, क्योंकि वहाँ अगर आपने बादल देखे, इट्स गोना रेन प्रीटी बैडली, और मैं यहाँ स्कूटर पे हूँ,
मुझे गीला नहीं होना है। तो मेरे पापा अभी ये लेके आए, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो दिस और नॉट, बट ये वासाबी ग्रीन कोटेड पीस होते हैं। ये हम बहुत पहले जापान में खाते थे एंड मैं इसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बट आई विल शो यू गाइस हाउ इट फील्स लाइक। एकदम सगे दोन घ्यू का ऐसा। ओके अटा लो आता आलो। नकात पण कशापासून बनतंय? एक प्लांट असतो त्याचं रूट आहे, वासाबी नावाचं रूट आहे का प्लांट आहे वासाबी, तिथून आलंय ना, जपान मध्ये बनवलं होतं ना, जपान मध्ये फक्त मिळत ओरिजिनली। ओ राईट, हे इम्पोर्टेड आहे वासाबी हे। हा वासाबी हे मिळतच नाही मला, जसं पिठलं हे भारतामधलं हा वासाबी फक्त जपान मध्ये मिळतो। एक लास्ट तो ये खाने के बाद आपके नाक में कुछ हो जाता है अजीब, मराठी में उसे झिंझिण्या आल्या ये कहते हैं, अभी इसका ट्रांसलेशन मुझे नहीं पता, आई एम वेरी सॉरी। बट इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लीव अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल। ओके चलो बाय, सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।